हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है 18-19 जून को, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ पे नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके इस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए क्वेश्चंस तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ये एक सीरीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं बहुत सारी आपको अलग अलग टाइप की सीरीज़ कवर करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा, वीडियोज़ प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मेरे बोलने पर एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया, जब भी आप सीरीज़ देखते हैं उसमें तो कुछ प्लस माइनस चलता है या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अगर घटती है तो डिवाइड और माइनस ही चलेगा और दूसरी तीसरी चीज़ कुछ नहीं चलेगी। फिर आपका चलता है मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपका स्क्वायर आ जाता है, फिर क्यूब आ जाता है, फिर स्क्वायर प्लस कुछ मतलब हो जाता है, यानी कि स्क्वायर हुआ किसी नंबर का, फिर उसमें प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर आ जाता है, फिर दो नंबर का स्क्वायर हो जाता है। पर अब इस वो सारी सीरीज होती है सिंपल, उसमें दिख जाता है कुछ ना कुछ कि ये बढ़ रही है, ये दो नंबर की सीरीज है, उसमें पता चल जाता है। अब ये काफ़ी बड़े नंबर हो गए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका कभी भी स्क्वायर मल्टीप्लाई बहुत कम चांसेस होते हैं कि चले, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ अलग ही चलता है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसमें चल रहा है, जैसे 12 लिखा है, 12 में प्लस 11 किया तो 23 बन गया, ठीक है। और लास्ट वाला जो लास्ट वाली डिजिट है 36, इसमें प्लस 10 किया तो कितना बन गया 46। तो अब बताइए, इसमें ना ही कोई मल्टीप्लाई है, ना ही कोई स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना प्लस है, ना माइनस है, तो इसमें आपका ये चल रहा है, ठीक है। अब इसकी बात कीजिए, इसमें 11 प्लस करें तो 34 बन जाएगा, इसमें प्लस 10 करें तो 35 बन जाएगा। इसी तरीके से ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें देखिए 34 में प्लस आप 11 करेंगे तो 45 बन जाएगा, और 56 में प्लस 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर अब इसमें 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, इसमें प्लस 10 करेंगे तो आपका ये 76 होगा। यहाँ पे क्या लिखा है 86। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित क्रम में से कौन सी संख्या गलत है, तो लास्ट वाली गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे आपको एक तो सीरीज का भी पता चलेगा कि इस टाइप का पैटर्न भी बनता है सीरीज में, और एक ये भी क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपकी एक सीरीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें, यानी कि जो दो क्वेश्चन मार्क लगे हैं लास्ट में, यहाँ पे क्या आएगा, ए सी एफ जे ओ यू बी जे ऐसा कुछ लिखा है, और नेक्स्ट पूछा है इन दो में क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, सीरीज आपकी इंक्रीजिंग बेसिस पे है, तो ए बी सी डी आपका पूरा याद होना चाहिए, सारे अल्फ़ाबेट उनके नंबर याद अगर हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड कर लेंगे। अगर याद नहीं है तो मैंने आपको कई वीडियो में पहले भी बताया है कि लिख लीजिए, एक ए बी सी डी पूरी लिख लीजिए जेड तक, और उनके ऊपर उनके नंबर डाल लीजिए। इस काम को आप मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगाएंगे, 30 सेकंड से भी प्रैक्टिस कर लीजिए कि 30 सेकंड से भी कम लगे, ठीक है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं देन आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो अगर देखिए, आपके ये पता होता कि ए सबको पता है पहले पे आता है, बी आपका तीसरे पे आता है, सॉरी सी, ए बी सी थर्ड पे आता है, तो आपको पता चल गया कि प्लस टू एक एक बढ़ाते हुए जा रहे हैं, प्लस थ्री प्लस फोर कर दिया तो जे आ गया, जे में प्लस फाइव कर दिया तो ओ आ गया, ओ में प्लस सिक्स किया तो यू आ गया, यू में प्लस सेवन किया तो बी आ गया। अब यू में प्लस सेवन किया तो यू में बी कैसे आ गया, क्योंकि ए जेड तक खत्म हो गया, फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया, ए बी दोबारा से स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपका 8 प्लस किया तो जे आ गया, बी में 8 प्लस करेंगे जे आ जाएगा, जे में प्लस 9 करेंगे तो एस बन जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से फिर एस में प्लस 10 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सी, क्योंकि जेड से आगे फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा ए बी सी डी से, ठीक है ना। एस के बाद में फिर दोबारा से आपका जेड से आगे जाके सी से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एस और सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। देखिए, आज सारे
अलग अलग टाइप के और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, तो आपकी खुश की किस्मत होगी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। और मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। दिए गए विकल्पों की सहायता से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए। तो आप देखिए FED, इसमें मल्टीप्लाई की गई 3 की और ये आ गया। अब आपको इतनी तो कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि 3 की इसमें मल्टीप्लाई करके तो ये नहीं आएगा। अब जो FED लिखा है ये किस किस नंबर पे आते हैं उसके बेस पे, मतलब उनके उसमें कुछ मल्टीप्लाई की गई होगी तो ये आया होगा, ठीक है ना। फिर जो इस नंबर पे लिखे हैं उसमें मल्टीप्लाई की गई होगी तो ये आया होगा 4 में, ठीक है। तो अब ये भी हम नहीं बोल सकते कि जिस नंबर जो जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें 3 की मल्टीप्लाई की और ये आंसर आ गया, तो वैसा भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हमें करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 मल्टीप्लाई हमें करके देखनी पड़ेगी, पहले से पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, फिर आगे के आपके आराम से हो जाएंगे। तो FED कौन से पे आते हैं, ये आते हैं आपके 6-5-4 पे। 6-5-4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 16-29 नहीं बैठ रहा। फिर हमने क्या किया, एक एक माइनस करके देखा, 6 में से एक माइनस किया 5 आ गया, 5 में से एक माइनस किया 4 आ गया, 4 में से एक माइनस किया 3 आ गया। अब इसमें 543 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 16-29 आपका बन जाता है, तो ये राइट आंसर बन गया। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, जो भी लिखा है उसमें से माइनस 1 करके फिर उसमें 3 की मल्टीप्लाई की गई है, ठीक है। एफ कौन से नंबर पर आता है, 6 पे, ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे, तो डायरेक्ट इसमें 3 की मल्टीप्लाई नहीं की गई है, इसमें से माइनस किया गया है, इसमें से माइनस 1 किया गया है, देन आपका ये आया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका बी सी डी है, इंटू 4 किया गया है, तो बी आपका 2 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, ठीक है। अब इसमें से सभी में से माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा। 2 में से माइनस 1 तो 1, 3 में से माइनस 1 तो 2, और 4 में से माइनस 1 तो 3। तो इसमें मल्टीप्लाई 4 की करेंगे तो आपका 492 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, BEF में मल्टीप्लाई 1 की गई तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 256 लिखा है, तो 256 में सबसे पहले तो माइनस 1 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 145 आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस करेंगे 2 में से तो 1, 5 में से माइनस करेंगे 4, तो 6 में से माइनस 1 करेंगे तो आपका 5, और अब इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 145 ही रहेगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये भी अच्छी सीरीज थी एक, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संख्या 8261479 में कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे जबकि इन संख्या को आरोही क्रम में लिखा जाए। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तो देख लेते हैं इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा हमें लिखना है। ये लिख लिया आपने 8261479, तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, दूसरे पे 2 आएगा, फिर 3 नहीं है इसमें, फिर आपका आ जाएगा 4, फिर 5 नहीं है इसमें तो 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरे में ये इस संख्या में भी दूसरा दूसरे पे था और इसमें भी दूसरे पे ही आया, तो इसका मतलब ठीक है। इसमें भी 9 लास्ट में था और यहाँ पे भी 9 लास्ट में आया, तो ऐसी दो संख्या कौन सी बन गई जिनका स्थान अपरिवर्तित रहे, वो 2 और 9 है, तो दो संख्या ऐसी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में तो आपकी आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, मैं चाहता हूँ कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा एक एक क्वेश्चन आपको करा दूँ। और देखिए अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 2-3 वीडियो अपलोड करके बोल रहा हूँ, मैं कम से कम अभी प्रैक्टिस की वीडियो बता रहा हूँ 10-15 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए, जिसमें इसी टाइप के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं, और बाकी चैप्टर वाइज तो मैंने कवर कराए थे, ठीक है। और आगे भी ऐसी वीडियो अपलोड मिलती रहेंगी आपको। नेक्स्ट आपका ये वाली सीरीज है, देख लीजिएगा इसको भी, निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखिए ये आपकी, देखिए इसे आप ट्राई करिएगा एक बार और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक, जब भी बहुत सारा लंबा सा एक वर्ड आपको कंबाइन करके दे दिया जाता है तो वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसमें आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, आप उसमें ये देखिए कि उस लंबे से वर्ड में क्या लिखा गया है, और उससे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब अगर ये देखें कि कितने हैं, पहले इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 हैं। 12 से आपके या तो 4-4 के 3 पेयर बनेंगे, 3-3 के 4 पेयर बनेंगे, 6 के 2 पेयर बनेंगे, 6-6 के 2, यानी कि बीच में से कट हो जाएगा 6 साइड में 6 साइड में, या फिर 4-4 के 3 पेयर बन जाएंगे, यानी कि 4-4 मान लीजिए ये 3 पेयर बन जाएंगे, या 3-3 के 4, 1, 2, 3,
चार, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का कुछ बनेगा। अब यहाँ पे आप ट्राई करके देखिए, छोटा तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ दे दिया इस वाले में, ठीक है ना। कंबाइन जो दे रखा है, बी ट्रिपल ए जो दे रखा है, यहाँ से आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बी ए है, यहाँ ट्रिपल है, ए बी है। अगर यहाँ पे रख दे बी बी ए, फिर बी ए डबल ए बी ए, ठीक है, फिर यहाँ पे बी ए डबल ए, या आप ये भी बोल सकते हैं बी ए और बी ट्रिपल ए, बी ए बी ट्रिपल ए, कैसे भी बोल सकते हैं। तो बनी क्या सीरीज है, बी ए बी ए डबल ए, ठीक है, फिर बी ए डबल ए, ये आपकी सीरीज बन गई। तो क्या आएगा यहाँ पे, बी आएगा ए आएगा, तो बी ए, तो बी बी और ए, ये आपका डी वाला राइट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, ये तो देखिए बहुत आसान था। अब मैं आपको दो चार टिप्स भी बता देता हूँ इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले काउंट करने होते हैं जितने भी होते हैं, ठीक है, इनको काउंट करने के बाद उनको एक मतलब उसमें तोड़ लीजिए नंबर्स में, कि जैसे 12 थे या तो चार चार के बनेंगे इसमें, तीन तीन के या छः के, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बनेगा। जैसे 16 का है, 16 में 8 का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16, चार चार के चार पेयर बन सकते हैं। मोस्ट केसेस में ये होता है कि 16 अगर ये हों तो चार चार के पेयर बनते हैं, और ज़्यादातर में 12 में भी चार के पेयर बनते हैं। जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन उठा के देखे हैं, जो मैंने आपको तो आपको अभी तक के क्वेश्चन कवर कराए हैं, चार चार के पेयर बन गए, ठीक है। तो आपको चेक करना है जल्दी से जल्दी कि चार चार के पेयर में अगर हम रखते जाएँ कुछ भी तो कैसे बन रहा है, कुछ ना कुछ सीरीज निकल के आ जाती है झटपट। बस दिक्कत कहाँ पर आती है, हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पर तीन तीन के इनके पेयर बनाएँ, चार चार के बनाएँ, छः छः के बनाएं। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप विद इन सेकेंड इन इस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। एक क्वेश्चन लिया है मैंने कथन एवं निष्कर्ष से आपका, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा क्या गया है, सबसे पहले कथन को पढ़ लेते हैं। यदि किसान बेहतर उपज चाहते हैं तो उन्हें रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए अवधारणा क्या है। सबसे पहले कथन को समझने की कोशिश करिए। यदि किसान बेहतर उपज चाहते हैं तो उन्हें रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अगर बेहतर उपज चाहते हैं, ठीक है। अवधारणा इसमें क्या क्या है, रासायनिक खाद से सेहत पर कुछ बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, अगर कथन में किसी के बारे में कोई बात नहीं बोली गई है तो वो डिस्कार्ड कर देंगे, उसमें से वो आंसर राइट नहीं होगा। तो कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि रासायनिक खाद से सेहत पर कुछ बुरे प्रभाव पड़ते हैं, तो ये वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरे वाला पढ़ते हैं, रासायनिक खाद से उतनी उपज नहीं होती जितनी जैविक खाद से होती है। तो देखिए कथन को पढ़ के अगर आप कोशिश करेंगे तो इससे साफ साफ झलक रहा है कि ये बताना चाहते हैं, यदि किसान बेहतर उपज चाहता है, तो उसे रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो जैविक खाद से ज़्यादा उपज होगी, इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो रासायनिक खाद से उपज उतनी नहीं होती जितनी जैविक खाद से होती है, यही इन्होंने कथन में बताने की कोशिश की है। तो राइट ऑप्शन आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। आशा करता हूँ कि कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही था लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने कम से कम दो दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। आशा करता हूँ कि आप शेयर भी करते होंगे और लाइक भी करते होंगे। आपके लिए लगातार ऐसी मेहनत करता रहूँगा अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं पुरानी वीडियो को देखना तो नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।